दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। भारत के सबसे बड़े आदमी का जब भी नाम आएगा उसमें अंबानी परिवार का जिक्र हमेशा रहेगा। अंबानी भारत के एक बड़े और सफल बिजनेसमैन हैं। अंबानी के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन आपने कभी उनकी पत्नी नीता अंबानी के बारे में जानने की कोशिश की? आज हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे नीता बनी नीता अंबानी। अंबानी की बहू बनने के पहले नीता अंबानी एक आम आदमी की तरह साधारण जीवन गुजारने वाली महिला थी और वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी, जहां 800 रुपए मासिक उन्हें भुगतान किया जाता था। नीता बताती हैं कि बच्चों को पढ़ाना उन्हें बेहद पसंद है, इसलिए जब मुकेश अंबानी से शादी हुई तब उन्होंने मुकेश के सामने ये शर्त रखी कि वो शादी के बाद भी बच्चों को पढ़ाने की जॉब करेंगी। मुकेश इस बात पर राजी भी हुए और उन्हें इजाजत देकर अपनी शादी की। नीता अंबानी के साथ हुआ एक किस्सा हर किसी को हैरान करता है। दरअसल 1987 में नीता के स्कूल की प्रिंसिपल ने वर्ल्ड कप की दो टिकटें लाकर दी और कहा कि स्कूल की कोई भी दो टीचर जाकर इस मैच को देख सकती हैं, लेकिन नीता ने ये टिकट लेने से मना कर दिया। ऐसा सुनने में आता है कि उस वर्ल्ड कप का स्पॉन्सर उस समय रिलायंस ग्रुप था, और जब उनकी प्रिंसिपल मैच देखने गई और देखा कि नीता प्रेसिडेंट बॉक्स में VIP केबिन में बैठी है तो हैरान रह गई। प्रिंसिपल को सब्र नहीं हुआ और उन्होंने उसी समय जाकर नीता अंबानी से पूछा कि वो वहाँ पर क्या कर रही हैं, और जब नीता ने बताया तब जाकर उन्हें पता चला कि उनके स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर देश के सबसे अमीर खानदान की बहू है। तब जाकर उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा।